जी, जिस तरह से आप पेट डॉक्टर हैं, तो मैं चाहूँगा हमारे देखने वाले व्यूवर्स को इस किस्म की केयर, कोई एहतियाती तदबीर बता दें, जिससे जिस तरह से बीमारी है, डिस्टम्बर है, पारोवायरस है, इस बीमारी से, डिजीज से बचा जा सके। देखिए जी, इट इज़ यूजली सेड कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इट मींस कि अगर हमें अपने पेट्स रखने हैं, उनकी प्रॉपर हमने केयर करनी है, और केयर किस तरह से हमने करनी है कि उन्हें हमें हेल्दी फूड ऑफर करना है और वैक्सीनेशन करवानी है, प्रॉपर टाइम पे हमने उनकी डिवर्मिंग करवानी है प्लस वैक्सीनेशन करवानी है, ताकि हमारा जो पेट है वो सेफ हो, किसी किस्म का इन्फेक्शन उसमें ना आने पाए। शेड्यूल भी बता दें वैक्सीन का कि क्या शेड्यूल होता है जब पप्पी से लगा के जब अडल्ट के लिए। जी जी, पप्पीज़ जो है वो फर्स्ट वैक्सीनेशन 5th वीक पे रिकमेंडेड है, और कैट्स में जो फर्स्ट वैक्सीनेशन होती है ये 6th वीक पे रिकमेंडेड होती है। सो जैसे ही आपका जो पपी है वो 5th वीक पे पहुंच जाए, आप उसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाएं, और इसी के साथ साथ खुदा ना खास्ता अगर आपने अपने पपीज़ की या अपने किसी भी पेट की वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई, तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि अगर उनमें कोई इन्फेक्शन आ जाता है तो हम उनका जो है वो लेट ना करें, उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट करवाएं उसका। और लास्ट में ये बता दें कि आप कौन सी वैक्सीन रिकमेंड करते हैं। वैक्सीनेशन ब्रांड्स, डिफरेंट ब्रांड्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, उनके डिफरेंट जो है वो वैक्सीनेशन जो होती है उनका काम एक ही होता है कि हमने उनमें इम्यूनिटी डेवलप करनी है। सो डिफरेंट ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल होती है वही आप वैक्सीनेशन यूज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि आपके पास वैक्सीनेशन कोई भी नहीं है या आप किसी अच्छे ब्रांड की वेट में रहें तो वैक्सीनेशन लेट हो जाती है। सो इसके लिए बेटर ये है कि जो भी आपके पास ब्रांड अवेलेबल है यू कैन यूज़ इट। ओके डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके। ऑलवेज वेलकम, थैंक यू।